जम्मू कश्मीर में आकर के यार, वाह गुलमार्ग का जगह भैया बहुत खूबसूरत है और सारे के सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे। हाँ फेस वन एंजॉय करने मिलेगा लोग। जन्नत, वी फील लाइक अ जन्नत, जन्नत राइट नाउ इन कश्मीर, बहुत वी फील लाइक अ जन्नत, जन्नत भैया मैम, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस दैट हमारा मन ही नहीं हो रहा है यहाँ से जाने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा वीडियो बना रहे, बहुत अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे, इन्हें फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपके लिए। हाँ थैंक यू सर, ओके थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। यार कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। सो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो। चैनल को भाई सब्सक्राइब तो कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका भाई एक सब्सक्राइब एक लाइक से दिल को संतुष्ट मिलता है भाई, इस भाई को तो भाई प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो थैंक यू सो मच। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। तो ये गुलमार्ग जो है ना भाई, वेलकम कर रहा है आप सबको, यहाँ पे आ करके आप अपना इंजॉय कर सकते हैं और ख़ास करके अगर आप ठंडे के दिन में आते हैं तो भाई ऐसे ही आपको इंजॉय करना होगा, आ करके घूमना है तो आप, वाह यार क्या बात है। तो भाई देखो बारिश हो रही है जगह पे और इतना मज़ा आ रहा है यार, वो तो और क्या यार है इस जगह पे आकर के, तो मैं मतलब खुश हूँ, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, खुश है भाई। यहाँ पे आकर बहुत अच्छा भी लग रहा है, फील अजब सा हो रहा है। ये गुलमार्ग वो जगह है जहाँ से सब कोई मतलब घूमना पसंद करता है और सबसे बेस्ट जगह यही माना जाता है, और इससे और अभी यहाँ पे भाई इतना मतलब ठंडी ठंडी है भाई, ठंडी और इतनी ठंडी है कि मतलब मैं बता नहीं सकता, और सारे के सारे लोग भाई घूम रहे हैं तो हम भी क्यों ना घूम लें यहाँ पे जब आए हैं तो, वाह यार वाह। सो फाइनली भाई यहाँ के जो माहौल है भाई इस तरीक़े से है भाई कि मतलब मैं क्या कहूँ यार, वाह यार। चलो यार चलते हैं इस जगह पे, देख लो यार बर्फ़ ही बर्फ़ है, वाह देखो भाई बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। अगर बर्फ़ पे आप चलते हैं तो थोड़े हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बिचलाव ज़्यादा होते हैं, जैसे बिछली टाइप का कुछ है, आप मतलब गलत तरीक़ा से अगर चलेंगे तो यहाँ पे बिछलने का थोड़ा सा संभावना बनता है। क्या बात है यार, यहाँ का मौसम सुहाना सा है और इस माहौल का इंजॉय कीजिए। मतलब मज़ा आ रहा है यार, मुझे भी एक गिलास ले लेना चाहिए था यार, लेकिन गिलास क्या करें भूल जाता है ना, तो गिलास भूलने के कारण से मैं गिलास खाली पहनता नहीं, गिलास मैं खाली लेता नहीं हूँ, नहीं तो गिलास ले लेते तो कहीं ना कहीं ठीक है था। वाह यार वाह, और ऐसे ऐसे तो पेड़ पौधे कश्मीर में ही मिलते हैं आपको पता ही है, और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है भाई, क्या बात है यार, वाह गुरु वाह। तो गाइस यहाँ का वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट करना बताना यार, इंजॉय मैं अकेले अकेले ले रहा हूँ लेकिन आप सबको मैं इंजॉय भी करा रहा हूँ भाई, और समझ जाओ कि भाई अब मैं क्या बताऊँ आप सबको, इस तरीके से इंजॉय ना हर कोई नहीं कर सकता जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ भाई, और बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर आ करके, पूरा के पूरा बर्फ़ का बारिश हो रहा है और समथिंग वो बोला था कि आज से स्टार्टिंग हो रहा था, बट मुझे नहीं पता लग मुझे नहीं लगा था कि यहाँ से ऐसे हो सकता है माहौल, क्योंकि इससे पहले वाला जो माहौल था मतलब अजब तरीका का माहौल था और देखने का भी मतलब अलग सा मज़ा आता है भाई, और क्या मैं तो खुश हूँ यार यहाँ आगे, मतलब इस खुशी का जाहिर नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूँ, खुश बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वाह यार। तो भाई घर पे देख लो बर्फ़ जम गए हैं और घर हो गए हैं वाइट वाइट, ऐसी हालत में भाई अंदर में ठंडी लगती होगी कि नहीं मुझे भी नहीं पता चल रहा यार, तो लोग ठंडा ठंडा महसूस करता है भी या नहीं करता है भाई, वाह यार देख लो यार सब के सब वाइट हो चुके हैं भाई पूरे बर्फ़ से, अरे भाई और क्या, वाह यार वाह देख लो यार
इतनी खूबसूरत जगह में आ गए हैं हम लोग। वाह निकलो यार ऐसी ऐसी जगह पे है, और ये सारे सारे होटल्स वगैरह है, और ये वो जगह है जहाँ पे लोग रोपवे का भी यूज किया जाता है, गोंडाला गोल्फ क्लब। जब गोंडाला तो भाई आप यहाँ पे आओगे तो आपको हर जगह जाने की जगह है, रास्ते हैं, ऐसी ऐसी जगह है कि आप मतलब घूमते रह जाओगे और यहाँ से मन नहीं करेगा कि आप जाओ। वैसे मैं भी हूँ भाई कि मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करेंगे, जाएंगे, लेकिन घूम लेते हैं, अभी बहुत टाइम है घूमने के मेरे पास, तो भाई घूमने के बाद यहाँ से चलेंगे और क्या, चलते हैं आगे। बहुत 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 मज़ा आ रहा है यार, मज़ा, और ऐसा मज़ा कि आपको मैं क्या बताऊं यार। भाई देख लो इतने बर्फ़ हो गए ना कि उसका जो ग्रीन कलर था वो वाइट हो गया है पूरे तरीके से, और यहाँ से बगल में क्या तो आने जाने वाली वो जो रोपवे होती है वो है, देखते हैं भाई क्या सीन है। बर्फ गिरी भाई बर्फ, सारे सारे होटल से आप मतलब यहाँ पे आके होटल में भी ठहर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो भैया साहब, भाई साहब तो गिर गए, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर चल रहे हो ना कॉफी अच्छे से चला करो यार, कवा किक से जो ये है ना बर्फ, बर्फ से पैर फिसलते हैं भाई। क्या बात है यार, ऐसे जगह पे आ गए ना भाई, क्या बताया, पूरी पूरी आप ऐसी जगह पे और ऐसी जगह का लुत्फ़ उठाओ यार। देख लो इस सुहाने से मौसम में बर्फ़ की बारिश हो रही है, और यहाँ भी सारे सारे लोग सेल्फीज भाई ले रहे हैं इस साइड, और ये बगल में रोड भी है भाई, मतलब आप समझ जाओ ना कि खर्चे यहाँ ज़्यादा हैं, जितना खूबसूरत जगह है उतना खूबसूरत पैसा भी लगता है यहाँ, और बहुत ख़तरनाक पैसे लगते हैं भाई, मैं क्या बताऊँ आपको कि कितने पैसे लगते हैं। ऐसी ऐसी जगह आपको मिल जाएंगे, पानी आ रहा है देख लो भाई, और ये सारा का सारा बर्फ़ है भाई, देख लो यार बर्फ़ में ही है खड़े हम अभी, जहाँ हैं हम बर्फ़ में ही हैं, और यहाँ का व्यू इतना मस्त लग रहा है ना यार, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, गजब का है यार, सच में यार, कश्मीर कश्मीर है और एकदम अजब सा है। हम वो साइड से ना निकल के ये साइड इसलिए आए कि भाई देखते हैं ये रास्ते जाते कहाँ हैं, और ये रास्ते के खास बात ये है कि ये कहीं भी रास्ते चले जाएंगे। वाह यार, मतलब सब चीज़ पे भाई बर्फ़ ही बर्फ़ जमा है, देख लो भाई पूरा गाड़ी में भी बर्फ़ जम गई है यार, क्या किया जाए भाई। मतलब ये जन्नत में कश्मीर का जब घूम रहा था तो मुझे भाई साहब एक मिले हैं। हेलो भैया, कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया। देखो भैया ग्लास वगैरह सब बेच रहे हैं, अगर कश्मीर में आते हो तो भैया अगर दिख जाते तो भैया से ले लिए करो यार। तो भाई यहाँ पे सारी चीज़ की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर से भी ले सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि मान लो वहाँ से ठंड इतने लगते हैं कि आपको ऑलरेडी ले करके यहाँ आना पड़ता है ना भैया। लेकिन अगर बाई चांस कोई नहीं ले पाते तो यहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्था है, रहने का, खाने का, घूमने का, और इतने अच्छे इंसान मिल जाते हैं आपको कि मैं क्या बताऊँ यार, सारे के सारे लोग यहाँ पे लोग अच्छे हैं, लेकिन 1% लोग कुछ ऐसे हैं ना भाई कि मतलब मुझे पसंद नहीं आए, बहुत सारे लोग देखे लेकिन 1% कुछ अजीब सा कोई बिहेव कर रहा था, तो वो अलग टाइप के थे। तो है गाइस, आज जो इस जम्मू कश्मीर में आकर के इंजॉय कर रहे हैं हम, ऐसा लगता है कि आज से स्टार्ट ही हुआ है, तो लोग बोल रहे हैं कि आज से स्टार्ट हुआ है भाई जब से तुम आए हो, तो मुझे बहुत यहाँ पे आकर के ऐसा लग रहा है कि यार मतलब मैं एक छोटा सा जन्नत में हूँ, और ऐसा
हिमाचल प्रदेश का वो लुक आ रहा है कि जो मतलब मैं कह नहीं सकता। और वो ये हिमाचल प्रदेश का जो लुक्स होते हैं ना भाई, ये यहाँ पे मतलब और ज़्यादा अगर कुछ आते हैं ज़्यादा टाइम से तो उसमें आपको बहुत सारे मिल जाते हैं देखने के लिए। कम से कम 10 फीट के या 8 फीट के ये जो आपको बर्फ है, मैं ऐसे ग्लव्स पे छूऊंगा क्योंकि यार बहुत ठंडी है। ये जो है ये बर्फ हाथ में अगर मुँह में लोगों ने, यार इतनी ठंडी पड़ रही है, इतनी ठंडी। और देखो ऐसे आ रहे, देखो भैया फेंक रहे यार तो भैया बहुत अच्छे हैं यार। मतलब आप कहाँ से सर? मुंबई। मुंबई से? बिहार। बिहार से सर? बिहार। हाँ सर, बिहार से। ब्लॉगिंग कर रहे हो आप? ये सर ब्लॉगिंग, मेरा चैनल है राज रजनीकांत करके। तो देखिए भैया मेरे साथ थोड़ी सी मस्ती की है, लेकिन अच्छा लगा कि चलो कम से कम ये मस्ती यहाँ पे हमेशा मिले। जितना भी हम लोगों ने आज सुना है, जितना आज स्नोफॉल हुआ है, ये एक्चुअली ये सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल इतना अच्छे से हुआ है। और यहाँ पे अभी आगे गंडोला राइड फेज 1 फेज 2 होता है, इतना स्नोफॉल हो गया कि शायद आज फेज 2 का राइड बंद ही हो जाएगा, राइड बंद ही हो जाएगा। हाँ, तो फेज 1 एंजॉय करने मिलेगा। जन्नत, वी फील लाइक अ जन्नत, जन्नत राइट नाउ इन कश्मीर, बहुत वी फील लाइक अ जन्नत, जन्नत। या मैन, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस दैट हमारा मन ही नहीं हो रहा है यहाँ से जाने का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा वीडियो बना रहे, बहुत अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे, इन्हें फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपके लिए। हाँ, थैंक यू सर। ओके, तो थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम। ऐसे यहाँ पे आप जब भी आओगे ना, तो ऐसे इंजॉय करो यार आकर के। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ यार कि ये लाइफ एक ही बार मिलती है, और अपने लाइफ में हर चीज़ करो, लाइफ में इंजॉय करो। तो यहाँ पे आओ और अपनी लाइफ का एक छोटा सा खुशी अपने सबके साथ बांटो, जैसे मैं आप सबके साथ बांट रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर करना आप सब। तो भाई यहाँ से जा रहे हैं उस साइड घूमने के लिए, और क्या चलो चलते हैं आपको लेकर के यहाँ से वो साइड है, कहाँ है बट मुझे नहीं पता कहाँ है। चलो भाई वो साइड चलते हैं। देखो यार यहाँ पे ये है पौधे, ये कांटे वाले पौधे हैं। वाह यार क्या बात है, सो बने यार, सो ब्यूटीफुल ये प्लेस, मतलब इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊँ यार। सच में है, आप जम्मू कश्मीर आओगे ना तो यहाँ पे जरूर आना यार, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है। गुलमार्ग भाई है ये वो जगह कश्मीर का जो खूबसूरत सी एक प्लेस है और एक जन्नत है भाई, और बहुत मजा आ रहा है यार। चलो और मजे तरीके कराते हैं, क्योंकि ये ना, वाह यार ये बर्फ देखो लो यार, बर्फ, ये वो बर्फ है जो इस बर्फ के लिए सारे के सारे लोग यहाँ पे आते हैं इंजॉय करने के लिए और देखने के लिए। तो चलिए और कुछ चीजें इससे इंजॉय कराते हैं, सो फनी चलते हैं भाई। ओके ओके, ये छोटा सा कबूतर है भाई, इसको क्या बोलते हैं भैया? डस्टबिन। डस्टबिन, अरे वो यार इसके तो मुंह खुले ही नहीं, तो कैसे डालेंगे इसके मुंह में? अच्छा नीचे से। अरे यार क्या गजब का है भाई, देख लो इस जगह पे भाई ये बनाया गया है भाई डस्टबिन, और यहाँ से डालने के लिए। और भाई लोग हैं, इन लोग के साथ थोड़ा मस्ती करते हुए हम आगे जा रहे हैं। और क्या यार, मस्ती भरा ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे ऐसा ही। चलते हैं भाई आगे साइड में।